ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, कहाँ होता है? मस्तिष्क में। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? कदर के नीचे होता है ना। और यहाँ से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। अगर हमारे शरीर में अगर नमक की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो हमारे भेगा रोग या ग्वाइटर रोग के नाम से जाना जाए, लटक जाएगा। फिर हमारा होता है आगे पैराथायराइड ग्रंथि होता है उसके जस्ट नीचे, उसके बाद होता है एड्रिनल ग्रंथि, फिर होता है यहाँ पर होता है थायमस ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? फिर होता है थायमस ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, फिर होता है पिनियल ग्रंथि, फिर लैंगहेंसर होता है, जिसका नाम होता है फिर जनन। और विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरीबेरी, और विटामिन सी की कमी हो जाए स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से हो जाए तो सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, और विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन संबंधित रोग हो जाता है, और विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का न बढ़ना हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर कट जाता है, फट जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, और उस व्यक्ति में अगर विटामिन ए की अगर कमी है तो रक्त का स्राव बंद नहीं होगा, रक्त का स्राव होते रहेगा, तो ऐसे में व्यक्तियों का डेथ और मृत्यु हो सकता है कि नहीं? ये चीज अनिवार्य है। तो खान पान का बैलेंस करना बड़ी अति आवश्यक है। तो नमक की सलाह भी बता दिए थे, रोगियों के इंसुलिन हार्मोन की स्वीकृति दी जाती है इसमें बता दिए थे। फिर हम लोग मानव मस्तिष्क को ब्रेन को हम लोग बांटे थे, तो मानव मस्तिष्क को जब ब्रेन को बांटे थे तो आपको बताए थे कि मस्तिष्क से लेकर के यहाँ तक हड्डियों की संख्या कितनी होती है उनकी।